हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री और इसमें हमारा लेसन नंबर था चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल टीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे बरतानिया की हुकूमत ने बहुत सारे कानून पास किए जिससे ट्राइबल जो ग्रुप था उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ा था। इसमें से एक पॉइंट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वह फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाया और उसका क्या असर हुआ उन पर। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, सो चेंजिंग द फॉरेस्ट लॉ हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। जो आदिवासी लोग थे उनकी ज़िंदगी अक्सर जंगलों से जुड़ी हुई थी और जब जंगल के कानून में बदलाव किया गया तो इसका असर सीधा उनकी लाइव्स पर, उनकी ज़िंदगी पर पड़ा। द ब्रिटिश स्टैंडर्ड देयर कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट, बरतानिया ने अपना कंट्रोल फॉरेस्ट पर, जंगलों पर बढ़ाया और डिक्लेयर किया कि फॉरेस्ट जो जंगलात है आज से स्टेट प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासीफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर विच वाज ब्रिटिश वांटेड, कुछ जंगल ऐसे थे जिनको रिजर्व घोषित कर दिया गया जहाँ से वो टिम्बर निकालना चाहते थे जो उनके इस्तेमाल में आता था बरतानिया की हुकूमत में। टिम्बर होता है इमारती लकड़ी। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टाइज जूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट एंड हंट एनिमल्स। अब इन रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों को घूमने की आज़ादी नहीं थी, ऐसे मूव करने की, घूमने की आज़ादी नहीं थी, ना ही वो वहाँ पर शिकार कर सकते थे, ना कोई जूम कल्टीवेशन कर सकता था, ना फ्रूट इकट्ठे कर सकते थे। तो उन सबको इसके लिए रोका गया कि रिजर्व फॉरेस्ट में वो नहीं जाएंगे। हाउ वर जूम कल्टीवेटेड टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन, तो जब इस तरह के हालात थे तो कैसे जूम कल्टीवेटर सर्वाइव जिंदा रह पाते। मैनी ऑफ दी फोर्स टू मूव अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, बहुत सारे उनमें से बहुत सारे जो थे वो दूसरे एरियाज की तरफ चले गए, दूसरे वो एरियाज की तरफ गए ताकि उनको काम मिल सके और अपनी ज़िंदगी को वो चला सके। वट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लाइविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड ए प्रॉब्लम, जैसे ही जो बरतानिया की हुकूमत थी उसने ये आदिवासी लोगों को फॉरेस्ट में रहने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया कि फॉरेस्ट में वो नहीं रह सकते, जंगलों में वो नहीं रह सकते, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। इसके लिए उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बरतानिया की हुकूमत को। फ्राम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, कहता है कि अब फॉरेस्ट में कोई लेबर ही नहीं बची थी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दरख्तों को काटने के लिए, रेलवे स्लीपर के लिए जो दरख्त काटे जाते थे, ट्रांसपोर्ट जो लॉग को जो ट्रांसपोर्ट करते थे उसके लिए उनको लेबर चाहिए थी, लेकिन फॉरेस्ट में लेबर ही नहीं रही क्योंकि उन पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि वो फॉरेस्ट में घूम नहीं सकते थे। तो ये प्रॉब्लम उनके सामने आ गई। कॉलोनियल ऑफिशियल कम अप विद ए सोल्यूशन, दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जूम कल्टीवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट दीज लैंड ऑन द कंडीशन दो लाइव्ड इन द फॉरेस्ट वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। अब जो कॉलोनियल ऑफिशियल थे उन्होंने, बरतानिया के जो बड़े बड़े ऑफिशियल थे कंपनी के, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, उन्होंने निकाला कि हम कुछ जूम कल्टीवेटर को स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे देंगे फॉरेस्ट में ताकि वो खेती भी करेगा और उसके बदले में उसको क्या करना होगा, हमें लेबर प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो जंगलों को काट सके और दूसरा वो जंगलों की रखवाली रखेंगे, ये उनके सामने शर्त रखी गई। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, तो वो चीप लेबर को ढूंढना चाहते थे। Many tribal group reacted against the colonial forest law. They disobeyed the new rules, continued with the practice that were illegal. अब बहुत सारे tribal group थे, जब उन पर ऐसे कानून थोपा गया, उनसे contact किया गया कि वो खेती तभी कर सकते हैं जूम cultivation खेत जंगलों में जब वो ऐसा समझौता करेंगे government के साथ, तो वो उसके खिलाफ हो गए, उनने forest law की तो डिसओबे करना शुरू कर दिया जितने भी रूल निकले गवर्नमेंट के, और अपनी पुरानी प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू किया जिसको गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया कि ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है।
एंड ए टाइम्स रोज इन रिवेलन सच द रिपोर्ट ऑफ द सोनग्राम संगवा इन 1906 इन असाम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। जब ऐसे कानून बने, लोगों को रोका गया, उनको कहा गया कि ये इलीगल आप कर रहे हो। जब लोगों ने डिसअवे किया, इन ट्राइबल ग्रुप ने डिसअवे किया गवर्नमेंट के रूल्स का, जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए जाओ और लॉ बनाए, तो बरतानिया हुकूमत ने उनको ज़बरदस्ती क्या करना सौंपना शुरू कर दिया कि आप ज़बरदस्ती उसके साथ समझौता किया कि आप जंगलों में तभी झूम कल्टिवेशन कर सकते हो जब आप उनकी समझौते पर हस्ताक्षर करोगे, उनको साइन करोगे, जब उनकी बात मानोगे। तो लोगों ने इसके लिए रिवोल्ट शुरू कर दिया, ट्राइबल ग्रुप ने इसके लिए रिवोल्ट शुरू किया। सबसे पहले जो रिवोल्ट था वो कहाँ पर हुआ, सोनग्राम संगमा में 1906 जो कि असम में हुआ, और दूसरा जो था फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1930 में हुआ सेंट्रल प्रोविंसेस में। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब तिजारत के साथ द प्रॉब्लम विद ट्रेड। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट ऑफ मोर ऑफन। 19th सेंचुरी में क्या होता था, जो ट्राइबल ग्रुप जो जंगलों में रहते थे वो अक्सर क्या देखते थे कि मनी लैंडर और ट्रेडर उनके पास आते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने के लिए, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफरिंग कैश लोन। वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने के बदले में उनको कैश लोन देते थे एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और उनको ये भी कहते थे कि हमारे लिए मजदूरी करो। इट टुक अ ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस। इस सब बात को समझने के लिए जो ट्राइबल ग्रुप था उनको थोड़ा टाइम लगा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स। हम एक सिल्क ग्रोअर की केस को पकड़ते हैं, देखते हैं। इन द 18th सेंचुरी द इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। कहता है कि 18th सेंचुरी में जो हिंदुस्तान का सिल्क था, हिंदुस्तान की रेशम थी, उसकी यूरोप की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन, और उस वक्त जो सिल्क था उसका रेट भी बहुत ज़्यादा था और वो उसका एक्सपोर्ट बहुत होता था बाहर के मुल्कों में। एज द मार्केट एक्सपेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राइड टू इनकर्ज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। जैसे ही सिल्क की डिमांड आगे बढ़ने लगी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग ऑफिशियल थे उन्होंने कोशिश की कि सिल्क प्रोडक्शन को हिंदुस्तान में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि इसकी मांग को बाहर के मुल्क में पूरा किया जा सके। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड। हजारीबाग एरिया है जो झारखंड में है इस वक्त, बाज एन एरिया वेयर द संथल रेयर्ड कंकून, जहाँ पर जो संथल था ट्राइबल ग्रुप वो कंकून रेयर्ड करता था, यानी कि रेशम के कीड़े पालता था। द ट्रेडर डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल कलेक्ट द कोकून। अब जो ट्रेडर थे उन्होंने अपने डीलिंग असिस्टेंट वहाँ पर भेजे और क्या कहा कि वहाँ से आप सिल्क खरीद कर लाओ, उनके साथ रबता बनाओ, उनको लोन दो ताकि वो सिल्क के कीड़े वहाँ पर पैदा, सिल्क बार्म वहाँ पर पैदा कर, कोकून वहाँ पर तैयार कर सके। लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, लोगों को लोन दिया ट्राइबल ग्रुप को, संथल्स को। तो द ग्रोअर्स वर पेड ₹3-4 फॉर 1000 कोकून। अब जो ग्रोअर थे जो उगाते थे सिल्क को, जो क्या करते थे सिल्क पैदा करवाते थे कीड़ों से, उनको 3 या 4 रुपये दिए जाते थे 1000 कोकून के लिए। 1000 कोकून के लिए, कोकून होता है रेशम का जो कीड़ा बाद में तैयार हो जाता है, रेशम का कोकून इसको कहा जाता है। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान एंड गया वेयर दे सोल्ड एट 5 times ऑफ द प्राइस। द मिडिल मैन सो कॉल्ड द बिकॉज वर अरेंज द डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर मेड ह्यूज प्रॉफिट। अब बाद में जब इन कोकून को बर्दवान और गया के रास्ते से बर्दवान आर गया वेयर दे वर सोल्ड, जहाँ पर ये बेचे जाते थे, तो इनका 5 times रेट हो जाता था। अगर जब वो 3 रुपये खरीदते थे तो ये 15 रुपये रेट के हिसाब से वो बेचते थे, और इसमें मुनाफा कौन कमाता था, मिडल मैन कमाता था। ट्रेडर कम कमाते थे और जो ग्रोअर है वो भी कम कमाता था, लेकिन जो मिडल मैन, मैंने कहा कि जो एजेंट उनके पास जाते थे, वो इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। और ये इसकी मिस्री का कारण भी था, इनके दुख का कारण भी था ट्राइबल ग्रुप के लोगों का। द सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट सर्च फॉर वर्क होता है काम की खोज। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु हैड गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ द वर्क वाज इवन वर्स। कहता है कि जो ट्राइबल ग्रुप
जिनको काम धंधा नहीं था, जो एक जगह से दूसरी जगह गए काम के लिए, उनकी भी कंडीशन बहुत ही गंदी थी, बहुत ही बुरी थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग कमिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। कहता है 19th सेंचुरी में क्या देखा गया, लेट 19th सेंचुरी में, कि चाय का धंधा, चाय प्लांटेशन और माइनिंग का काम जोरों पर होता था, माइनिंग इंडस्ट्री का। ट्राइबल वर रिक्रूटिंग लार्ज नंबर ऑफ वर्क टी प्लांटेशन इन असम एंड द कोल माइनिंग झारखंड। जो जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे इनको रिक्रूट किया गया, इनको यानी कि भर्ती किया गया किसमें, टी प्लांटेशन जो असम में था और दूसरा कोल माइन जिन झारखंड में जिता, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा भर्ती किया गया, इनको काम मिल गया वहाँ पर। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हु पेड द मिजरेबली लो पेजेस। अब ये यहाँ पर वहाँ पर कैसे भर्ती किया जाता था, इनको कैसे काम दिया जाता था, इनको एक कॉन्ट्रैक्टर काम देता था और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था, चाहे साल का या दो साल का, और इनको बहुत ही कम बेज देता था, बहुत ही कम मजदूरी देता था, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और इनको घर जाने से भी रोकता था। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में है हम इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।